हेलो मेकअप लवर्स, हाउ आर यू ऑल। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम, और जो भी पुराने हैं उनको वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ये सुंदर सा 15 अगस्त के लिए मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। तो मॉइस्चराइजर लगाकर सीधा स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं हमेशा बेस मेकअप से ही स्टार्ट करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया और उसके बाद कंसीलर की हेल्प से आईब्रोज को क्लीन किया। इससे हमारी आईब्रोज और भी ज्यादा क्लीन और शार्प लगती हैं। इसके बाद अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप के लिए भी हमें सबसे पहले आई बेस चाहिए होता है, जिसके लिए मैंने एक लाइटर शेड का कंसीलर लेके अपने आई लिड्स पर ब्लेंड किया और उसके बाद सेटिंग पाउडर की हेल्प से आई बेस को सेट किया। अब मैंने एक हल्का ऑरेंज शेड लेकर अपर क्रीज पर ब्लेंड किया। फिर मैंने उसे कंटूर पैलेट में से कंसीलर लिया, जिससे हम अपनी क्रीज कट करेंगे। बट इसके लिए मेरे पास कोई भी मतलब परफेक्ट ब्रश नहीं था, तो मैंने ऐसे ही एक छोटी सी फ्लैट ब्रश उठाई और उससे करने का ट्राई किया। स्टार्टिंग में तो इसको करना बहुत मुश्किल लग रहा था, बट फाइनली बाद में ठीक ठाक हो गया। उसके बाद मैंने कंसीलर के ऊपर से एक वाइट आई शेडो ब्लेंड किया एंड इसके ऊपर मैंने इस पर वाइट शिमर ऐड किया। उसके बाद मैंने ये टेप रिमूव करी और लोअर लैश पर मैंने ग्रीन आई शेडो यूज़ किया। उसके बाद ये हमारा एक आई मेकअप तो हो गया था कम्प्लीट। अब बारी थी सेम प्रोसेस दूसरी आँख पर अप्लाई करने की, जिसमें सारी गड़बड़ हो गई क्योंकि ये दोनों क्रीज बिल्कुल भी सेम नहीं बने। ये देखो ये क्या हो गया। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फिर ये पीछे वाली क्रीज को रिमूव मतलब साफ करके वहाँ पर ऑरेंज आई शेडो ब्लेंड करके फिर हमारा ये बन गया हाफ कट क्रीज मेकअप। उसके बाद मैंने अप्लाई करी फाउंडेशन। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अपने हाइलाइटेड पॉइंट पर लगाया कंसीलर, और कंसीलर को फिर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगी। और अच्छे से ये कंसीलर ब्लेंड करने के बाद हम सेटिंग पाउडर की हेल्प से अंडर आइज़ को सेट करेंगे। उसके बाद थोड़ा अपने गालों और नोज़ को कंटूर करने के बाद बारी आती है ब्लश ऐड करने की, तो मैंने एक सॉफ्ट पिंक कलर का ब्लश ऐड किया। इन सब के बाद अपनी चीक बोन पर थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड करेंगे एंड उसके बाद लिपस्टिक लगाकर हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो ये लुक कुछ ऐसा लग रहा था, और अपना ये सिंपल हेयर डू करने के बाद फाइनल लुक कुछ ऐसा था। बहुत अच्छा या बेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट आपको जैसा भी ये मेकअप लुक लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेचुरल लाइट में कुछ ऐसा लग रहा था। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।